क्या औरतें नमाज जनाजा पढ़ सकती हैं? सकती का मतलब समझते हो नहीं समझते? यानी औरतों के लिए नमाज जनाजा पढ़ना जायज है ना जायज है? सकती है का ये मतलब है, औरतें भी नमाज जनाजा पढ़ सकती। यही मसलन मस्जिद है, यहां कोई जनाजा पढ़ा जाए तो मर्दों के पीछे औरतें जो हैं वो भी जनाजा पढ़ेंगे। औरतें जनाजा पढ़ सकती हैं। दूसरा मसला यह है कि औरतों को जनाजा पढ़ने के लिए जहां जनाजा पढ़ा जा रहा है वहां जाना चाहिए नहीं चाहिए? जब औरतों को ईदेन में नहीं आना, जुमा में नहीं आना, तरावी में नहीं आना, फर्ज नमाजों में नहीं आना, तो जनाजा पढ़ने के लिए कहां से जाएंगे? लेकिन अगर ऐसी जगह जनाजा पढ़ा जा रहा है जहां औरतें हैं तो वो भी नमाज पढ़ सकती हैं। दलील, एक बड़े सहाबी हैं हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, इराक उन्होंने फतह किया है और जंग कादसिया में कमांडर इन चीफ वही थे और अशरे मुबशरा में से हैं, वो 10 सहाबा जिनको एक साथ हुजूर ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई उनमें से हैं और इराक के गवर्नर रहे हैं, बड़े आदमी हैं और हुजूर के रिश्ते के मामू हैं, हकीकी नहीं रिश्ते के, यानी हजरत यानी हुजूर की वालदा जिस खानदान की थी बनू जोहरा की, उसी खानदान के वो थे, तो खानदान के होने की वजह से रिश्ते के मामू थे। उनका इंतकाल हुआ मदीना मुनव्वरा में, हजरत आयशा ने सहाबा से कहा कि हजरत साद का जनाजा मस्जिद नबवी में जनाजा लाकर पढ़ा जाए, मैं भी जनाजा पढ़ना चाहती हूं। ये हजरत आयशा ने कहा, मालूम औरत जनाजा पढ़ सकती है। फिर क्या हुआ, हुजूर के जमाने में जनाजा मस्जिद नबवी से बाहर आगे सहन था जिसमें पत्थर बिछे हुए थे बलाप, वहां जनाजा पढ़ा जाता था और मुसल्लल जनाइज बाकायदा जनाजे पढ़ने की एक जगह बनी हुई थी। अब मस्जिद ये है, मर्दों की सफे ये हैं, औरतों की सफे ये हैं और मस्जिद के बाहर उधर जनाजा पढ़ा जा रहा है, तो हजरत आयशा वहां जनाजा पढ़ने नहीं गई, ये कहा मस्जिद में जनाजा लाकर पढ़ो, मैं भी जनाजा पढ़ना चाहती हूं, मगर सहाबा नहीं लाए। और सहाबा ने कहा मस्जिद में जनाजा कैसे लाएंगे, तो हजरत आयशा ने कहा कि लोग कितना जल्दी भूल गए कि सोहेल के लड़के बैजा का जनाजा हुजूर ने इसी मस्जिद नबवी में पढ़ा है। याद दिलाया कि बैजा का लड़का सोहेल, उसका जनाजा हुजूर ने मस्जिद में पढ़ा है, फिर भी लोग कितना जल्दी भूल गए, जनाजा लाने के लिए तैयार नहीं। ये याद दिलाया हजरत आयशा ने, फिर भी सहाबा जनाजा मस्जिद में नहीं लाए, वहीं पढ़ा गया और हजरत आयशा उसमें शरीक नहीं हो सकी। यहां से वहां जनाजा पढ़ने नहीं गई, जहां अपने मस्जिद नबवी से मुत्तसिल कमरे में जहां जमात के साथ नमाज पढ़ती थी, अगर जनाजा मस्जिद में पढ़ा जाता तो जनाजा पढ़ती, लेकिन मस्जिद में सहाबा ने नहीं पढ़ा कि जनाजा मस्जिद में कैसे पढ़ेंगे। उन्होंने याद दिलाया तब भी सोहेल का जनाजा पढ़ा गया है मस्जिद में, हजरत आयशा ने सही बताया, मगर हुजूर को कोई उज्र होगा जिसकी वजह से हुजूर एहतिकाफ में है, हुजूर नहीं जा सकते और हुजूर का जनाजा पढ़े बगैर कब्र में अंधेरा रहता है, रोशनी पैदा नहीं होती, तो इस मजबूरी में हुजूर ने पढ़ा होगा जनाजे में। बाकी हुजूर का भी आम मामूल मुसल्लल जनाइज में जनाजा पढ़ने का था। मुझे तो इस वाकये में दलील ये पेश करनी है कि हजरत आयशा ने कहा मैं भी जनाजा पढ़ना चाहती हूं, मालूम हुआ औरत जनाजा पढ़ सकती है, मगर जनाजा पढ़ने के लिए जैसे अब औरतें अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में औरतें मस्जिदों में जुमा जमात तरावी वगैरह में आती हैं, ऐसे जहां जनाजा पढ़ा जा रहा है वहां औरतें जनाजा पढ़ने जाएं, ये जायज नहीं। दो चीजों में फर्क करो, एक है पढ़ सकती है या नहीं, यानी पढ़ना जायज है या नहीं, जायज,
लेकिन खास इसीलिए, मसलन को आपके टोरेंट मुझे नहीं मालूम आप लोग जनाजा कहाँ पढ़ते हैं, फर्ज करो कि यहाँ ये बाहर सहन है, पूरा पार्किंग है, इस पार्किंग में अगर आप जनाजा पढ़ते हैं तो महल्ले की सारी औरतें आए और मर्दों के पीछे खड़ी होकर जनाजा पढ़ें, ये जायज नहीं। और यही मस्जिद है, पीछे औरतें भी पढ़ रही हैं और आप यहां पढ़ लें कहीं। बाज लोग मस्जिद में पढ़ते हैं तो पढ़ हनफी नहीं पढ़ते, दूसरे पढ़ते हैं, तो फिर औरतें भी पढ़ लेंगे। यार दो मसले अलग करो, एक औरतें औरत जनाजा पढ़ सकती, पढ़ सकती, वो भी एक नमाज है, वो भी एक दुआ है, औरत भी दुआ कर सकती। मगर औरत बाकायदा जनाजा पढ़ने के लिए जाए वहां जहां मर्द जनाजा पढ़ रहे हैं, ये जायज नहीं। क्योंकि औरत तजहीज और तकफीर में हिस्सेदार नहीं बनती, जरूरत बगैर जरूरत के, कोई जरूरत नहीं है तो अमवात की तजहीज और तकफीन मर्द करेंगे, औरतें नहीं करेंगी। बस जनाजा की नमाज पढ़ना भी तजहीज और तकफीन में आता है, वो भी मर्द पढ़ेंगे। लेकिन फर्ज करो कि कोई मैयत है, कि कोई जनाजा पढ़ने वाला मर्द है ही नहीं, तो फिर औरतें जनाजा पढ़ के दफन करेंगी। अब औरतें पढ़ेंगी। और जनाजा को देखने के बारे में वजाहत कर दीजिए, पता नहीं क्या वजाहत पूछ रहा है। जनाजे को देखना तो जायज है, कौन किसके लिए, मर्दों के लिए, मर्द का जनाजा है मर्द देखे, औरत का जनाजा है औरत देखे, औरत का जनाजा है तो औरतें देखेंगे, मर्द का जनाजा तो मर्द देखेंगे, मर्द का जनाजा तो औरतें नहीं देखेंगे। अलबत्ता जो महरम औरतें हैं वो देख सकती, मर्द का जनाजा है और औरत बीवी है, माँ है, बहन है, बेटी है, वो देख सकती है, बीवी देख सकती है। वो न सिर्फ एक बीवी है, वो मरने के बाद भी इद्दत में होती है, जब तक इद्दत में होती निकाह बाकी होता है, इसलिए दूसरा निकाह नहीं कर सकती। पर बीवी भी देख सकती है, महरम औरत भी देख सकती है, लेकिन अजनबी औरत नहीं देख सकती। हमारे यहां देवबंद में एक बुरा तरीका है, पता चला कर फला साहब का इंतकाल हुआ तो सारे महल्ले के मर्द और औरतें एकदम निकलेंगे मैयत को देखने के लिए, गोया पर्दा जिंदगी में है, मरने के बाद कोई पर्दा नहीं। ये गलत तरीका है, देवबंद में है, गलत हो रहा है, हो रहा है, रोकते हैं, नहीं मानते औरतें। बहरहाल यहां मुझे नहीं क्या मालूम है, मसला ये है कि मर्द का जनाजा मर्द देखे, औरत का जनाजा औरत देखे। औरत का जनाजा है शोहर देख सकता, देख सकता है, लेकिन हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि बीवी का इंतकाल हुआ तो निकाह खत्म हो गया। लेकिन खड़ा रहे, चेहरा देखे, देख सकता है। लेकिन मेरे घर में से इंतकाल हो, मेरे ही गोद में उनका इंतकाल हो, जब इंतकाल यकीन हो गया, इंतकाल होगा, मैंने उनको लिटा दिया, चादर ओढ़ा दी, फिर मैंने नहीं देखा उनको, नहलाने के बाद भी मैंने नहीं देखा, देखकर क्या कर लूंगा जब निकाह ही खत्म हो गए। लेकिन अगर शोहर देखना चाहे तो देख सकता, हाथ नहीं लगा सकता। तो अब ये कहते हैं कि जनाजा को देखने के बारे में वजाहत कर दीजिए, वजाहत कर दी कि मर्द का जनाजा मर्द देखे, औरत का जनाजा औरत देखे, औरत का जनाजा महरम मर्द देख सकते हैं, बेटा है देख सकता है, भाई है देख सकता है, शौहर भी देख सकता है, और मर्द का जनाजा है तो महरम औरतें देख सकती हैं, गैर महरम नहीं देख सकते। यही मसला है देखने वजाहत। अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर गया तो क्या वो उसको देख सकती है, दफनाने से पहले देख सकती है, इद्दत में निकाह बाकी रहता है, बस वो देख सकती है, बल्कि कोई नहलाने वाला न हो तो बीवी शोहर को गुस्ल भी दे सकती है, निकाह बाकी है। कहते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्ल दिया था उनकी अहली या अस्मा बिन्त उमेस ने, और हजरत साहबा थे
मगर उन्होंने गुस्ल दिया था, क्यों दिया था मुझे नहीं मालूम। रिवायत में यह है कि हजरत अबू बकर को गुस्ल दिया था उनकी अहलिया अस्मा बिन्त उमैस ने नहलाया। फिर एक हदीस है कि जो मैयत को नहलाए वो नहाए, जो मैयत को उठाए यहां से उठाकर यहां रखा, यहां से उठाकर यहां रखा, वो वजू करे। तो अस्मा बिन्त उमैस ने नहलाया, नहलाने के बाद उन्होंने मसला पूछा सहाबा से कि सर्दी बहुत सख्त हो रही है, क्या मेरे लिए नहाना जरूरी है? तो साहबा ने कहा नहीं, जरूरी नहीं नहाना। गोया मैयत को नहलाने के बाद नहलाने वाला नहाए जरूरी नहीं। तो हजरत अस्मा ने यह मसला पूछा था कि सर्दी बहुत सख्त हो रही है, क्या मेरे लिए नहाना जरूरी है? तो साहबा ने मसला बतलाया जरूरी नहीं है। बहरहाल इस रिवायत से मालूम हुआ कि अगर कोई जरूरत हो तो बीवी नहला भी सकती है, देख भी सकती है, हाथ भी लगा सकती, मगर शौहर नहीं। निकाह खत्म हो गया, लिहाजा शौहर देख सकता है सिर्फ, हाथ नहीं लगा सकता, नहला नहीं सकता।